हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको डेली फैंटेसी प्रीव्यूज मिल रहे हैं और क्या चाहिए। इस गेम में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स फॉर साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। धमाकेदार गेम होगी और हम हैं आपके साथ ये पूरी गेम का प्रीव्यू कवर करने के लिए। बात करें इस गेम की तो दोनों टीम्स अपना ओपनिंग गेम हार कर आ रही है। साउथ अफ्रीका को मिली एक शॉक डिफीट श्रीलंका के हाथों, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट वन साइडेड हरा दिया। दोनों टीम्स कोशिश करेंगी कि एक कमबैक कर पाएं और ये गेम होने वाला है बोलांड पार्क इन पाल। साउथ अफ्रीका ने जो गलतियां करी थी होपफुली वो फिर से रिपीट नहीं करेंगी। इसका ये मतलब है कि इनकी तरफ से और स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की, और दोनों टीम्स अब तक खेली हैं 12 बार जिसमें से न्यूजीलैंड ने पूरा पूरा डोमिनेट किया है, 10 बार जीते हैं। क्या इस गेम में भी न्यूजीलैंड डोमिनेट करेगी कि आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका एज होस्ट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक एंड मेक अ केस फॉर देमसेल्फ। बात करते हैं टॉप परफॉर्मेंस इन हेड-टू-हेड गेम्स की। सोफी डिवाइन 10 इनिंग्स में 612 रन है इनके, एवरेज 87 का, बोलिंग द्वारा 15 विकेट चटका चुकी है। खैर अपनी इंजरी के चलते हुए और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते हुए शायद इस गेम में भी बोलिंग करती हुई नहीं नजर आएंगी। सुजी बेट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड की दूसरी ओपनर है और इन्होंने अब तक 12 इनिंग्स में 517 रन स्कोर करे हैं साउथ अफ्रीका के बनाम। मैरिजन काप 6 इनिंग्स में 6 विकेट चटकाए हैं इन्होंने, 75 रन भी बनाए हैं और अब नंबर 3 पर भी बैटिंग कर रही है। हेली जेंसन की बात करें तो 7 इनिंग्स में 9 विकेट है इनकी, पिछली गेम में भी 1 विकेट चटकाया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड शी विल बी अ की परफॉर्मर इन दिस गेम एज वेल। चलते दोस्तों बात करते हैं टॉप सिक्स की। नंबर 1 पर यहां पर हम बैक करेंगे सोफी डिवाइन को। पहली गेम में मेगान शूट की पहली ही ओवर में ये और बेट्स दोनों ही आउट हो गए थे, बट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और भले ही वो बोलिंग ना करें इनकी बैटिंग ही काफी है, स्पेशली इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो आप। लीडिंग रन गेटर है साउथ अफ्रीका के सामने फ्रॉम न्यूजीलैंड, 10 इनिंग में 612 रन, 87 का एवरेज है, क्यों ना आप इनको अपनी टीम में रखो। और अमंगस्ट ऑल द प्लेयर्स जो इस गेम में खेल रहे हैं इनसे ज्यादा किसी ने भी पिछले साल में रन नहीं बनाए हैं। 14 इनिंग्स में 389 रन है और 30 का एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया के सामने इनको ड्रॉप करना बनता था जैसे हमने हमारे स्काउट्स वाली गेम में और प्रीव्यू में भी कहा था, बट यहाँ पर इस गेम में आप इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। नेक्स्ट अप मारिजन काप, अगेन एक सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन है। साउथ अफ्रीका की तरफ से बढ़िया बोलिंग करी थी श्रीलंका के सामने, 4 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट चटकाए थे और हेड टू हेड गेम्स में भी साउथ अफ्रीका की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। 6 इनिंग में 6 विकेट है और आपकी टीम में भी नजर आनी चाहिए। हेली जेंसन इज द थर्ड सेफ पिक, इनफैक्ट थर्ड टॉप पिक अगर हम इनको कहें, क्योंकि हेड टू हेड गेम्स में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, 7 इनिंग्स में इनकी है 9 विकेट। लास्ट ईयर न्यूजीलैंड की हाईएस्ट विकेट टेकर थी, है मीडियम पेस डालती है, 12 इनिंग्स में 19 विकेट्स इन्होंने पिक करे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी 1 विकेट पिक करी थी और लास्ट जो 2 राउंड गेम्स हुए थे वहां पर भी इन्होंने 3 विकेट चटकाए थे 9.66 के एवरेज पर। लॉरा वुलवार्ट कंप्लीट्स आवर सेट ऑफ टॉप पिक्स, इन्होंने हेड टू हेड गेम्स में 142 रन स्कोर करे हैं जो कि साउथ अफ्रीका के करंट जो स्क्वाड है उसमें सबसे हाईएस्ट है। ओवरऑल लास्ट ईयर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी साउथ अफ्रीका के लिए, 8 इनिंग्स में 188 रन स्कोर करे थे और पाकिस्तान वाले वार्म अप गेम में भी 65 रन बनाए थे इन्होंने जो भी हुआ था इसी वेन्यू पर। तो लॉरा वुलवार्ट को अपनी टीम में जरूर रखना है, एक टॉपिक आप इनको कंसीडर कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों डिफरेंशियल पिक्स की, और यहां पर नंबर 1 पर आती है क्लो ट्रायन, दो रीजन की वजह से। बैटिंग बहुत बढ़िया कर रही है, पिछले हेड टू हेड गेम में 17 बॉल में 39 रन स्कोर कर रहे थे। हाल ही में हुए ट्राई सीरीज इंडिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाली फाइनल्स में भी इंडिया के सामने 57 की नाबाद पारी खेली थी और वार्म अप गेम में इंग्लैंड के सामने 65 भी इन्होंने बनाए थे। 8 हेड टू हेड मैचेस में 128 रन है, 191 का स्ट्राइक रेट, और सबसे बढ़िया बात बताऊं इसी पिच पर साउथ अफ्रीका को श्रीलंका के लेफ्ट हैंड स्पिनर्स ने परेशान करा था। यहीं पर क्लो ट्रायन भी अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन के थ्रू आ सकती है प्ले में एंड शी इज अ टॉप डिफरेंशियल पिक फॉर दिस गेम। और सबसे मजेदार बात बताऊं दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका वाली हार से ये जरूर सीखा है कि स्पिनर्स से और बोलिंग करवानी है, विच मीन्स क्लो ट्रायन की लेफ्ट आर्म स्पिन यहाँ पर काफी मदद दे सकती है और ट्राई सीरीज में भी ये बोलिंग करी थी इन्होंने कुछ कुछ ओकेजन पे एंड शी शुड बी द वन टू लुक आउट फॉर इन दिस गेम। नेक्स्ट अप फ्रैन जोनस, अगेन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लास्ट ईयर न्यूजीलैंड की सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी है, 12 इनिंग्स में 13 विकेट इनको मिले थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने भले ही ये स्ट्रगल करी थी आई कैन अंडरस्टैंड, बट साउथ अफ्रीका की सामने अगर आप देखोगे श्रीलंका वाली गेम में लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने दे लॉस्ट 5 विकेट्स। यही मैचअप को अगर मध्य रखें तो इस गेम में फ्रैंक जोनस जरूर परेशान करेंगे साउथ अफ्रीका के बैटर्स को एंड हेंस अ बिग डिफरेंशियल पिक फॉर दिस गेम। नेक्स्ट अप बर्नार्डिन पेजनवेट, ये न्यूजीलैंड की बैटर है, ऑस्ट्रेलिया के सामने काफी इंटेंस इन्होंने बैटिंग करी थी, अनलकी
लकी थी कि एक कैच जो क्लियर नहीं था उस पर इनको आउट दिया गया, बट इनकी बैटिंग की इंटेंट ने हमको जरूर इंप्रेस करा है। पहले साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुकी है बिफोर मूविंग टू न्यूजीलैंड, इन कंडीशन से वाकिफ है ये और इनका डोमेस्टिक फॉर्म भी काफी बढ़िया था। इनको हम बैक करेंगे एज अ गुड डिफरेंशियल ऑप्शन फॉर दिस गेम। नेक्स्ट अप आया बोंगा खाका जो की साउथ अफ्रीका की मीडियम पेसर है। 5 हेड टू हेड गेम्स में इन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं, लास्ट ईयर 6 मैचेस में 5 विकेट चटकाए थे और इनके पास वो जो यॉर्कर है स्पेशली डेथ ओवर्स में जब ये बोलिंग करेंगी साउथ अफ्रीका बोलिंग फर्स्ट करते हुए आपको विकेट्स पिक करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेफ कैप्टनशिप पिक की और यहाँ पर नंबर 1 पर हम देंगे अमेलिया केर को। ऑस्ट्रेलिया के सामने भले ही न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरह से हार गई थी बट अमेलिया केर की बोलिंग 4 ओवर्स 23 रन 3 विकेट और फिर बैटिंग करते हुए 21 रन, ये थी एक सिल्वर लाइनिंग उस पर्टिकुलर गेम से। इस गेम में भी इनको एक टॉप कैप्टनसी ऑप्शन आप मान सकते हो। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके फेवर में है, 7 इनिंग्स में 8 विकेट है। न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें तो बेस्ट बैटिंग एवरेज इनकी थी लास्ट ईयर, 33 का एवरेज था, 14 इनिंग्स में 327 रन इन्होंने स्कोर करे थे और सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी ये थी, 14 इनिंग्स में 13 विकेट पिक करे थे लास्ट ईयर और हमारी तरफ से एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन फॉर दिस गेम। नेक्स्ट पिक इज मारिजान काप जो की अगेन एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है, साउथ अफ्रीका के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करती है, वहां पर रन जा सकते हैं, बोलिंग भी पूरे अपने 4 ओवर्स करेंगी एंड ये अच्छे खासे लय में भी हैं। ये दो प्लेयर्स मोस्ट टीम्स में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी नजर आएंगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की और यहाँ पर हम नंबर 1 पर लेकर आएंगे सूजी बेट्स को। इनका रिकॉर्ड जो हेड टू हेड में है वो काफी बढ़िया है, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, 12 इनिंग्स में 517 रन, 65 का एवरेज और टॉप रन गेटर कौन है हेड टू हेड गेम्स में, सोफी डिवाइन, इनका एवरेज हेड टू हेड गेम्स में था 87 का और ये दो हैं हमारे दो डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शंस फॉर दिस गेम। बात करें दोस्तों अगर सूजी बेट्स की तो ये सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी रही थी लास्ट ईयर न्यूजीलैंड के लिए, 14 इनिंग्स में 339 रन, वार्म अप गेम्स जो दो हुए थे वहां पर भी अच्छे खासे रन बनाए थे इन्होंने और पार्ट टाइम स्पिन भी डाल सकती है, क्या पता इस पिच पे इनको भी विकेट मिल जाए। और सोफी डिवाइन जिसको हमने डिस्कस करा है पहले भी वीडियो में, बोलिंग नहीं करेंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग के दम पर इनको पूरा पूरा पिक करना इनफैक्ट एक टॉप डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो भी बनता है। चलिए दोस्तों देखते हैं प्लेयर टू अवॉइड और जहां पर जो हम नाम देंगे लिया तहुहु। पिछले गेम में 3 विकेट पिक करे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, रन आउट भी करा था, कैचेस भी पकड़े थे, बट इस गेम में हम एक रिस्क ले रहे हैं इनको एज अ प्लेयर टू अवॉइड देने का बेसिस प्योरली ऑन द नंबर्स। क्यों हम ये कह रहे हैं, लास्ट ईयर ये जो टॉप 8 टीम्स के सामने खेली थी 8 में से 6 बार ये विकेटलेस गई थी, साउथ अफ्रीका के सामने 7 गेम खेली है उसमें भी 6 बार ये विकेटलेस गई है और हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 इनिंग्स में केवल 2 विकेट है इनके पास, एवरेज 71 का, स्ट्राइक रेट 57 का, उसको मध्य रखते हुए एक बड़ा पंट ले रहे हैं इनको ड्रॉप करने का। ऑलराउंडर्स में आपको फोर्थ ऑप्शन भी मिलेगा, फ्लो ट्रायन के रूप में मिलेगा एंड इसीलिए सेफली आप लिया तहु को ड्रॉप कर सकते हो अगर रिस्क लेने का मन हो तो, नहीं रिस्क लेने का मन है तो तहु को कर सकते हो बैक बट डेटा इनको नहीं कर रहा है बैक। चलिए दोस्तों चलते हैं अब बेस टीम की तरफ और बेस टीम में आप देखोगे बैटर्स में हमने पिक करे हैं 2 तगड़े बैटर्स, एक है लॉरा वुलवार्ट और दूसरी है सूजी बेट्स, दोनों के बारे में हमने बात काफ़ी करी है वीडियो में। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो अमेलिया केर, मारिजान काप, सोफी डिवाइन, इन तीनों को आप पिक करोगे। फोर्थ ऑलराउंडर के स्लॉट में हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायन मेक्स अ वेरी गुड केस एंड हम उनको बैक करेंगे बट अगर आपको तहु के साथ जाना हो तो आप जा सकते हो, याद रखना डेटा उनको बैक नहीं कर रही। बोलर्स की तरफ चलेंगे तो जेस केर को हम बैक करेंगे, अच्छी खासी बोलिंग है ये कर रही है बोलिंग इन डेथ ओवर्स एज वेल, और हेली जेंसन को जिनका रिकॉर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके अलावा अब अगर आप चाहो तो बैक कर सकते हो शबनीम इस्माइल को, आया बोंगा खाका को, लाबा को भी अगर चाहो तो बैक कर सकते हो इन द बोलिंग सेक्शन एंड व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपर आप मैडी ग्रीन को ले सकते हो और अगर आपको लेना हो तो हमने एक डिफरेंशियल पिक ऑलरेडी बताई है इन द फॉर्म ऑफ बेजन हुए, अगर आप चाहो तो उनको भी पिक कर सकते हो इन योर फैंटेसी टीम्स फॉर दिस गेम। तो दोस्तों हो गया हमारा ये प्रीव्यू फॉर न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, मिलेंगे आपके साथ जल्द नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।